और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। किस शेर की आमद है के रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। रिकी नन, इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा यह है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं, वो कल मैच देखे ही ना। तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कुछ भी, कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव और बिला शुबा दुनिया क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग है। अरे बाबा! अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला आप कह लें कि हाई ऑक्टेन मार्का है जिसमें दोनों टीमें आंखों में आंखें डाले आमने सामने होंगी। कंट्रोल कंट्रोल। और रिवायती तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बल्लेबाजों की जंग रही है, लेकिन इस बार भारत का मुकाबला न सिर्फ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के तूफानी, हम कह सकते हैं कि तूफानी पेस अटैक से होगा, बल्कि वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान, तुम्हारे पाकिस्तान की माँ बहन माँ बहन माँ बहन, कप्तान बाबर आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला है। The next day. शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान को अब शिकस्त दे दी है भारत ने। मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, फिजा सूजी है सूजी, हलवा पकाए। प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे सूरत हाल, हम तो कह रहे थे भाई आ जाओ, कोई भी ऑस्ट्रेलिया वालों, न्यूजीलैंड वालों, साउथ अफ्रीकन हो, इंग्लैंड हो, भारत के सुरमा जो आ जाओ भाई, हमारे पास तो वसीम वकार और शुएब दोबारा से आ गए। अरे ये 350-337 रन का टारगेट दे दिया है, ये किसकी गलती की वजह से हुआ है? पाकिस्तान की कप्तानी सही नहीं थी, बॉलिंग सही नहीं थी, दो विकेट लिए हमने सिर्फ, आखिर में भी आउट नहीं कर सके जब वो बिल्कुल आंखें बंद करके घुमा रहे थे। लानत है तुम लोग पे, लानत। भाई आप ये कह सकते हैं कि एक ये बुरा दिन था और मुसलसल वेट कर रहे थे और नेचुरली थोड़ा सा प्रेशर भी था पाकिस्तान का फेवरेट होने का, लेकिन मेरी याद समझ में ये नहीं आई कि बाबर आजम साहब को देखें, वही जो बात हम 2-3 दिन से कह रहे थे कि आपके पास एक स्पेशलिस्ट ये होना चाहिए था, स्पिनर होना चाहिए था। दूसरी बात है कि हारिस रऊफ का इतनी देर में मैच शुरू होने से सिर्फ चंद मिनट पहले ये बताया गया कि जनाब वो इंजरी का शिकार, उनको कोई हैमस्ट्रिंग हो गई है और किस टाइप की हैमस्ट्रिंग हो गई है, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद ये भी समझ में नहीं आया कि नसीम शाह को क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई, क्या रिस्क में ऐसा मसला हो गया कि वो फील्ड से बाहर चले गए। तमाम ही बॉलर्स ऑफ कलर नजर आए, 79 तकरीबन 80 के करीब शाहीन शाह अफरीदी ने रन दे दिया। कुछ समझ में नहीं आया कि किस टाइप की बॉलिंग की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कप्तानी की बात यह है कि आप ये देखिए कि जो इंडियन बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह और सिराज, तो दो स्लिप के साथ कर रहे हैं, हमारे जो कप्तान साहब हैं उन्होंने एक स्लिप भी नहीं ली, एक स्लिप भी, और वहां भी चैन दोस्तों। इकबाल साहब, मैं कल से इस बात पे रो रहा हूं कि आपने, आपके पास हारिस रऊफ अटैकिंग बॉलर जो आपको शुरू के 3 ओवर्स में विकेट निकाल के देता है और उसकी विकेटें इस तरह की होती है, तो बोल्ड मारता है या कॉट बिहाइंड होता है, स्लिप पे जाता है, उसमें उन्होंने स्लिप भी नहीं ली हुई, क्योंकि दूसरी तरफ से जो अशरफ साहब बॉलिंग कर रहे थे उनके पास भी स्लिप नहीं थी, हम बैकफुट पर आ गए थे सर। देखिए अशरफ साहब को तो आप कुछ ब्लेम ना करें, इसलिए अशरफ साहब को जो लाया गया है सही। आप पकड़ लो यार।